नमस्ते, मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला था और अभी देने वाला हूँ कि तिप्रा मोथा जो कल अच्छे INPT के साथ जो अच्छे नंबर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए हैं, मुझे खबर मिल रहा है कि चार या पांच जगह में मैंने बहुत जगह में अपील किया है कि आप झगड़ा मत कीजिए, तिप्रा सा को अटैक मत कीजिए, लेकिन तभी भी तीन या चार जगह में, शायद खुवाई में कुछ जगह में, बरकथाल के तरफ, कोबरा के तरफ, मंडाई में, दो तीन जगह में, कहीं दूसरे तीन जगह से भी मुझे खबर मिल रहा है कि बहुत लोग तिप्रा मोथा के नाम में जाकर IPFT के ऑफिसर्स को तोड़ रहे हैं या उनको थ्रेट दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं ये फेसबुक लाइव इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं त्रिपुरा का पॉलिटिक्स बदलना चाहता हूँ। हमारा तिप्रा मोथा का कोई भी मेंबर अगर IPFT को धमकी देता है या वायलेंस करता है या ऑफिस तोड़ता है तो प्रद्युत माणिक्य उनको अरेस्ट कराएगा और मैं उनको वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि हम आपको अपने पार्टी से निकाल देंगे। मैं ऐसे रकम का पॉलिटिक्स नहीं करूँगा और मैं टॉलरेट भी नहीं करूँगा। ये गलत बात है और मैंने पुलिस से भी बात किया है और मैं अपने पूरे कैंडिडेट्स को, जो जीते हैं जो नहीं भी जीते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, क्लियर मैसेज है फेसबुक लाइव से कि आप लोग कोई भी IPFT या कोई भी हो, तिप्रासा हो या कोई भी हो, बंगाली हो, मुस्लिम हो, हिंदुस्तानी हो, उनके घर में जाकर आप तोड़फाड़ नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे। अगर आपने दिया और मुझे मालूम पड़ गया तो मैं आपको अपने पार्टी से सस्पेंड करा दूंगा और मैं पुलिस को बोलूंगा कि आपको अरेस्ट करे। मैं ये कल्चर को बदलना चाहता हूँ। ये कल्चर ने त्रिपुरा को ख़त्म किया है, ये कल्चर ने तिप्रासा को, तिप्रासा का संघ तोड़ा है। अगर हमको थंचा चाहिए तो इलेक्शन के बाद भी बहुत लोग हैं जो IPFT में हैं, जो दूसरे पार्टी में, वो भी हमारे संग आएंगे। अगर ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए तो हमको एक चीज़ क्लियर करना है कि एक दूसरे संग झगड़ा नहीं करना है। ये गलत रंग का गंदा सस्ता राजनीति। मुझे मेवार का भी फ़ोन आया था आज और तब मुझे एक दो लोगों ने भी कहा कि विजय मिसल के नाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग प्लीज़ नोट करो, विजय मिसल के नाम में दो तीन लोग किसी लोगों को फ़ोन करके चंदा कलेक्ट कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं तिप्रा मोथा के नाम में। अभी मैं वार्निंग कर रहा हूँ कि आप कोई चंदा कलेक्ट नहीं करेगा कोई भी से, कोई भी हो, बंगाली हो, तिप्रासा हो, कोई भी हो, आप तिप्रा मोथा के नाम में एक रुपया चंदा कलेक्ट नहीं करेंगे और ये एक्सटॉर्शन बंद होगा। धमकी देकर आप मेरे नाम में आप चंदा कलेक्ट नहीं करेंगे, ये कोई भी एक रुपया, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल्स हैं और एक्सटॉर्शनिस्ट हैं। और अभी मैं एक फॉर्मल, हमारे सब इलेक्टेड काउंसलर्स आ रहे हैं, मैं एक फॉर्मल अनाउंसमेंट 3 बजे करने वाला हूं। अभी मैं आप सबको बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी ऑपोजिशन में बहुत साल रहा हूं, विजय मिसल के नाम में तोड़फोड़, झगड़ा, गुंडागर्दी होता है। और ये विजय मिसल में जीतने वाला पार्टी कोई भी हो, CPM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, IPFT हो, तिप्रा मोथा हो, ये जो हारा है उसको नीचे दिखाने के लिए ये विजय मिसल होता है। ये सिर्फ बंगाल में होता है, त्रिपुरा में होता है। तो हमने डिसीजन लिया है कि कोरोना चल रहा है पूरा इंडिया में, त्रिपुरा में वापस कोरोना आ सकता है। हम लोग इसको देखकर हम लोग विजय मिसल नहीं करेंगे और ये जो पैसा है इसको हम, अगर कोरोना आया या अपने तिप्रासा का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। विजय मिसल के नाम में एक्सटॉर्शन होगा ये, इसके लिए मैं, और तोड़फोड़ होगा इसके लिए मैंने क्लियरली सबको मैं बोल रहा हूँ कि विजय मिसल तब होगा जिस दिन हमको ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिलेगा। तो हम लोग विजय मिसल नहीं करेंगे। आई एम सस्पेंडिंग ऑल विजय मिसल्स। ये विजय मिसल के नाम में तोड़फोड़ होगा, ये विजय मिसल के नाम में एक्सटॉर्शन होगा, इसके लिए मैं विजय मिसल नहीं करूँगा। विजय मिसल का कल्चर जिसमें जीतने वाला पार्टी जो हारा है उसको नीचे दिखाएगा, वो बुबागरा अलाउ नहीं करेगा। ये मेरा क्लियर मैसेज है।
आप जो आम जनता है, कोई भी आए, तिपरा मोथा हो, कहीं से भी आए, उन लोगों को आप ऐसा एंटरटेन मत कीजिए। अगर कोई रुपया देने आता है, आप इमीडिएटली पुलिस को कंप्लेन कीजिए या फिर उनको एक रुपया मत दीजिए। इनके पास मेरा कोई सैंक्शन नहीं है और विजय मिसल नहीं होगा। ये जो विजय मिसल का रुपया खर्चा होता है, ये हम अभी हम इसका पैसे का इस्तेमाल हम लोग अपने गांव में जो तिपरासा का पास खाना नहीं है, जिसका घर टूट रहा है, जिसको प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, जिसको दवाई चाहिए, कोरोना वापस आ सकता है, इसके लिए हमको ये देखकर ना कि विजय मिसल करके किसी को नीचे दिखाना है। ये मेरा मैसेज है और आई लव ऑल ऑफ़ यू ऑल। आपने हमको सब ने सपोर्ट किया, जो जीते हैं उनको थैंक यू, जो नहीं जीते मैंने उनसे भी मीटिंग किया है और मैंने उनको बोला है कि जहां में हम लोग नहीं जीते वहां में हम लोग डबल काम करेंगे और अपने दोफा को आगे रखकर क्लीन, ट्रांसपेरेंट, करप्ट फ्री गवर्नमेंट चलाएंगे। ये मेरा मैसेज है। मैं त्रिपुरा में अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूँ कि राजनीति को बदलना है, सस्ता राजनीति नहीं करना है और अहंकार का राजनीति नहीं करना है, गुंडागर्दी का राजनीति नहीं करना है, हमको राजनीति करना है। ये मेरा मैसेज है। इसमें ये मैसेज सब तिपरा मोथा को है। IPFT और कोई भी जनजाति हो, कांग्रेस हो, किसी CPM हो, किसी के ऊपर अटैक नहीं होगा। अगर हुआ तो आप जेल जाएंगे और मैं आपको पार्टी से सस्पेंड करूँगा। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद। ये मेरा मैसेज है, प्लीज़ शेयर कीजिए। और पूरा इंडिया देख रहा है कि अगर तिपरासा का थांचा होता है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी थांचा हो सकता है। तो ये मेरा मैसेज पॉजिटिव मैसेज है, शांति का मैसेज है, आप ले जाइए। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू।